क्लास सिक्स सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर फोर एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के तत्व। हमने कल आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया था। आगे देखिए, ओपन पेज नंबर 158 ओपन कीजिए। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में बताएंगे। देखो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन होता है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन दृढ़ संकल्प, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट जनरली अराइज, जो हमारी लड़ाई होती है संघर्ष होता है, जनरली अराइज प्राय उत्पन्न की जाती है। व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जब लोग भिन्न भिन्न धर्म के होते हैं, रिलीजन्स धर्म, लैंग्वेजेस भाषाएं, कास्ट जाति, कल्चर्स संस्कृति, जेंडर्स लिंग एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो आर्थिक बैकग्राउंड होता है, डू नॉट वैल्यू ईच अदर, एक दूसरे को वैल्यू महत्व तो नहीं समझते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह जिम्मेदारी होती है, यह उत्तरदायित्व होता है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की यह जिम्मेदारी होती है इन डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, टू रिजॉल्व निश्चय करना द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को निश्चय करना, बाई इनिशिएट आरंभ करते हुए, डायलॉग संवाद को आरंभ करते हुए, विद द एग्रीड ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह की व्याकुल, जो लोग व्याकुल होते हैं उनकी भावनाओं को समझना। कॉन्फ्लिक्ट इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में संघर्ष या लड़ाई, आर ऑल्सो रिजॉल्व आरंभ की जाती है, निश्चय की जाती है, बाई इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, विच कन्फर्म, जो कन्फर्म करती है, टू द लॉ कानून को बताती है, ऑफ द लैंड एट टाइम्स उसी समय, व्हेन द सिचुएशन टर्न्स, जो हमारी सिचुएशन होती है परिस्थिति, टर्न्स वायोलेंट इसमें हिंसा हो जाता है, द पुलिस आर आस्क्ड, पुलिस कहती है टू स्टेप इन टू द मेंटेन लॉ, कि उस कानून को नियंत्रण में रखें, एंड ऑर्डर ऑल टाइम एट टाइम्स द आर्मी मे ऑल्सो इंटरवी, जो आर्मी होती है वह भी उस आर्मी को बीच में आना पड़ता है जब कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष तेजी से बढ़ जाता है, इफ द सिचुएशन टर्न वर्क, और जब स्थिति इतनी खराब हो जाती है तब आर्मी को भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, कंसर्न का मतलब होता है संबंध रखते हुए, फॉर इक्वलिटी समानता का संबंध रखते हुए, एंड जस्टिस और न्याय का संबंध रखते हुए। अनदर की एलिमेंट, दूसरी इसका एलिमेंट और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का दूसरा रूप है, इज द प्रोविजन, प्रोविजन भविष्य के लिए इंतजाम करते हुए, ऑफ इक्वलिटी समानता का, एंड जस्टिस न्याय का, फॉर ऑल इट्स सिटीजन उन नागरिकों के लिए, इन ए डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में ऑल आर ट्रीटेड, सभी को व्यवहार किया जाता है इक्वली बराबर बराबर, वेदर दे बी रिच, चाहे वह धनी व्यक्ति हो और पुअर, चाहे वह गरीब हो, वॉट एवर इसके अलावा, वी देयर रिलीजियस बिलीफ, चाहे वो धर्म में विश्वास रखता हो, कास्ट जाति में, रेस लैंग्वेज भाषा में आदि। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, हैड मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वलिटी, भारत के संविधान ने सभी के लिए प्रदान किया है समानता का अधिकार, एंड जस्टिस और न्याय का अधिकार, टू ऑल प्रत्येक नागरिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इट इज बैंड प्रतिबंध लगा दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी, जो छुआछूत की भावना, उस पर बैंड लगा दिया गया है, विच वॉज ए सोशल इवल, जो हमारी एक सामाजिक बुराई होती है, इन एंशियंट टाइम्स प्राचीन काल में, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, समाज को बांटा गया है इनटू फोर कास्ट, चार भागों में बांटा गया है, नेमली ब्राह्मण्स
क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। द लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट होती है, लोअर कास्ट पीपल जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, और श्रूर उन्हें शूद्र कहते हैं। व्हाट पीपल, उनका व्यवहार किया जाता बैडली, बुरी तरह से। बाय द अपर क्लास, उनका शोषण करते हैं जो अपर क्लास के लोग होते हैं। एंड वर गिवन वेरी लो स्टेटस, और उन्हें उस व्यक्ति को मतलब क्या लो स्टेशन और नीचा स्थान दिया जाता है। दीज पीपल, ये लोग वर ट्रीटेड, व्यवहार किया जाता है एज अनटचेबल, उन्हें छुआछूत का व्यवहार दिया जाता है। अनटचेबल्स जो अछूत होते हैं लोग, वर नॉट अलाउड, उन्हें आज्ञा नहीं दी जाती है टू मिक्स विद अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि वो उस सोसाइटी में दूसरे लोगों से अलग रहे, मिक्स नहीं हो। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर फॉर इक्वल राइट, इन दो व्यक्तियों ने, इन महान व्यक्तियों ने इक्वल राइट, समान अधिकार के लिए लड़ाई की। ऑफ द अनटचेबल, जो अछूत होते हैं उनके लिए ये आगे आए। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? अवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, पुट ए बैन, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया ऑन अनटचबिलिटी, जो छुआछूत की भावना, उस पर बैन लगा दिया। एंड डिसाइडेड, और निश्चय कर दिया टू पनिश, सजा देने के लिए, दोज दोज हु, ऐसे व्यक्ति जो प्रैक्टिस, ऐसे व्यक्ति जो इसका अभ्यास करते हैं, उन पर बैन लगा दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, एक हमारी बहुत ही उज्ज्वल समस्या होती है फेसिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सहन करती है, इज द जेंडर वाइज, जो पक्षपात लेती है, जेंडर लिंग होते हैं उनका पक्षपात लेती है। इन इंडिया, भारत में गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड, लड़कियों को भी ट्रीटेड समझा जाता है एज ए निग्लेक्टेड क्लास, एक मतलब निग्लेक्टेड क्लास, उसे मतलब छोड़ दिया जाता है। फीमेल फीटस, जो हमारी फीमेल फीटस आर किल, जो हमारी फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, आर किल, जो भ्रूण होता है उसको गर्भ में मार देती हैं। एट द बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब लड़की जन्म लेती है, गर्ल चाइल्ड इज सीन एज अनवेलकम, जब लड़की का जन्म होता है तब जो औरत होती है उसका अनवेलकम किया जाता है, स्वागत नहीं किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च, सरकार ने लॉन्च की है, बनाई है सेवरल प्रोजेक्ट, हमारे कई उपाय बताए हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बेबी गर्ल, जो हमारी बेबी गर्ल्स होते हैं उसे ना मारें, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। देयर आर वेरियस प्रोविजंस, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, फॉर द प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, और विमेन, औरतों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में बहुत सारी योजनाएं हैं। बट लेकिन इट इज ए लॉन्ग वे, लंबा तरीका होता है टू गो बिफोर दिस कैन बी अचीव एंटायरली, उस योजना को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए।